ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 31, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री वीडियो नंबर 6, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई वीडियो नंबर 2, एग्जांपल 10, वाई के लिए सॉल्वेबल एक दो एग्जांपल और देख लें, प्रैक्टिस थोड़ी और बढ़िया से हो जाए। y इक्वल टू 2xp प्लस एक्स स्क्वायर पी टू दी पावर 4, नंबर 1। बड़ा क्लियर कट है ना, इट इज सॉल्वेबल फॉर y और y के लिए सॉल्व करके दिया ही हुआ है। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx, जिसको p लिख दिया जाए, equals to 2x into dp upon dx plus 2p into 1 plus x square into 4p cube dp upon dx प्लस पी टू दी पावर 4 इंटू 2x इंप्लाइज दैट ये और ये उधर जाके p हो जाएगा प्लस 2x पी टू दी पावर 4 ये वाला प्लस 2x डीपी अपॉन डीएक्स प्लस 4x स्क्वायर पी क्यूब डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू जीरो। टू टर्म्स हैं डीपी अपॉन डीएक्स वाले और टू टर्म्स हैं बिना डीपी अपॉन डीएक्स वाले, फैक्टर्स वाला एक टाइप है। इंप्लाइज दैट पी कॉमन ले लिया, वन प्लस टू एक्स पी क्यूब प्लस टू एक्स कॉमन ले लिया, वन प्लस टू एक्स पी क्यूब इंटू डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट वन प्लस टू एक्स पी क्यूब इंटू दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस वीडियो में हम सॉल्वेबल फॉर वाई का काम समाप्त कर देंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लेरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लेरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस भी वाई के लिए ही सॉल्वेबल होता है, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स फॉर्म, और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का काम समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का प्लेलिस्ट पूरा हो जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की प्लेलिस्ट अलग है, हालांकि सिंगुलर सॉल्यूशंस जहां जहां अपने आप आता गया है, जैसे यही क्वेश्चन देख लो, दो ब्रैकेट है ना, तो सेकंड फैक्टर लोगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, फर्स्ट फैक्टर लोगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो जहाँ इस तरीके से मिलता गया है सिंगुलर सॉल्यूशन, हम उसकी चर्चा करते गए हैं, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट एक अलग से बनी हुई है, उसमें सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बातें की गई हैं। सिंगुलर सॉल्यूशंस निकालते समय कुछ असंबद्ध लोकस, एक्सट्रानियस लोकस भी निकल आते हैं, इन सब बातों की चर्चा सिंगुलर सॉल्यूशंस की जो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है उसमें की गई है। आइए इस एग्जांपल को हम आगे बढ़ाएं। जनरल सॉल्यूशन
टेकिंग सेकंड फैक्टर, टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ टू वी हैव पी प्लस टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस पी. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन पी एंड एक्स. इन पी एंड एक्स वेरिएबल सेपरेट करिए इंटीग्रेट करिए इंप्लाइज दैट टू डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. इस तरह से वेरिएबल सेपरेट कर दिया. फिर इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेट करने से सोल्यूशन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में. इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशंस को हम इंटीग्रल्स भी कहते हैं. फाइंड इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी लिखा रहता है ना. फाइंड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ने फाइंड इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व फलाने डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह हम लिखते हैं इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. ये इंटीग्रेट माने इंटीग्रल निकालो माने सोल्यूशन निकालो. इंटीग्रेटिंग वी गेट टू लॉग पी इक्वल्स टू लॉग सी माइनस लॉग एक्स इंप्लाइज दैट लॉग पी स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी बाई एक्स. एंटी लॉग लेने पर पी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स. नंबर थ्री. हाँ, कभी भी झटके में से लॉग लॉग काटिएगा मत. लॉग ऑपरेटर है, ऑपरेटर कटते नहीं हैं, एंटिटीज कटती हैं, ऑपरेटर्स नहीं कटते हैं. ऑपरेटर हटाने का क्या उपाय है? एंटी ऑपरेटर से ऑपरेट कर दो. दोनों तरफ लॉग है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो. दोनों तरफ साइन है तो दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो. दोनों तरफ टेन इनवर्स है तो टेन ले लो. समझ रहे हो ना? एलिमिनेटिंग पी बिटवीन वन एंड थ्री. इक्वेशन नंबर वन हमसे मिट गया. हम फिर से उसको लिख दे रहे हैं. इक्वेशन नंबर टू भी हमसे मिट गया. बाय सेरवा. समझाने और बताने के चक्कर में इक्वेशन नंबर वन ये है वाई इक्वल टू टू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पी टू दी पावर फोर. अब इक्वेशन नंबर टू में हमको ये तो मालूम ही है, सबको दिख ही रहा है पी प्लस टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स. और पहला ब्रैकेट मुझे ध्यान आ रहा है वन प्लस टू पी क्यूब एक्स था शायद इक्वल्स टू जीरो. नंबर टू बस आगे बढ़िए. एलिमिनेटिंग पी बिटवीन वन एंड थ्री. एलिमिनेटिंग पी बिटवीन वन एंड थ्री वी गेट वो वन है. y इक्वल्स टू टू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन टू पी टू दी पावर फोर माने पी स्क्वायर का स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू टू पी एक्स प्लस सी स्क्वायर. अब क्या करें, p की वैल्यू रख दो जी, फिर देखा जाएगा. लंबा काम क्यों करें. वाई इक्वल टू टू एक्स इन टू पी प्लस सी स्क्वायर और पी माने रूट सी अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू टू रूट सी रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर हो गया. अभी एक एग्जांपल में रूट सी आया था तो उसकी जगह हम लोग लेमडा रख दिए थे.
तो आप चाहे तो रख दें, अर्थात y इक्वल टू टू लेमडा रूट एक्स, टू लेमडा रूट एक्स प्लस ये हो जाएगा लेमडा टू दी पावर फोर, यही जनरल सोल्यूशन है वेयर लेमडा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आइए सिंगुलर सोल्यूशन निकालें। सिंगुलर सोल्यूशन टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ टू, वन प्लस टू एक्स पी क्यूब इक्वल्स टू जीरो implies that 2xp cube equals to minus 1 implies that p cube equal to minus 1 upon 2x number 4, p cube equal to minus 1 upon 2x, बिल्कुल ठीक। eliminating p between 1 and 4, eliminating p between 1 and 4, y equals to 2px plus x square p into p cube minus 1 upon 2x equals to 2px minus px by 2, एक एक्स कैंसिल हो गया, पी एक्स बाई टू, तो ये हो गया थ्री बाई टू पी एक्स क्यूब कर दिया जाए, इंप्लाइज दैट एट वाई क्यूब इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब पी क्यूब, एट वाई क्यूब इक्वल्स टू 27 एक्स क्यूब इंटू पी क्यूब की जगह माइनस वन अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू माइनस 27 बाई टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट 27 एक्स स्क्वायर प्लस 16y क्यूब इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। कभी कभी देखो क्वेश्चन में लिखा रहा ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन कंप्लीटली, मतलब जनरल सोल्यूशन भी निकालो और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालो इसी इलाके में, फर्स्ट ऑर्डर ने हायर डिग्री में ये लैंग्वेज देखने को मिलेगा आपको। तो क्लेरेट्स इक्वेशन जब आपको हम बताएंगे ना, तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने की एक विधि और बता देंगे। जैसे जिन एग्जांपल्स में फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें तो आप सिंगुलर सोल्यूशन की चर्चा करते चल रहे हैं, लेकिन जिन इक्वेशंस में, जिन एग्जांपल्स में फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, लीनियर वगैरह बन जा रहा है, तो उसमें आप सिंगुलर सोल्यूशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल में अगर निर्देशित है कि सॉल्व कम्प्लीटली, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन को हम जनरल सोल्यूशन के एनवेलप के रूप में निकाल देते हैं। वो मैं आपको क्लेरिट्स वाले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11,
वाई इक्वल्स टू पी साइन पी प्लस कॉस पी। इसमें एक्स एब्सेंट है इसलिए ये वाई के लिए सॉल्वेबल है ही है, पी के लिए सॉल्वेबल है ऐसा हम सोचे कहीं नहीं क्योंकि पी बहुत उलझा हुआ देख रहे हो ना, तो ये वाई के लिए सॉल्वेबल है, वाई की वैल्यू पी के रूप में लिखा हुआ है। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स यानी कि पी इक्वल्स टू पी इंटू साइन पी का हो गया कॉस पी प्लस पी का पी के रिस्पेक्ट में हो गया वन इंटू साइन पी ज्यो करते हो और इसका हो जाएगा माइनस साइन पी और इन सब के साथ लगेगा डी पी अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब आ गया ये पी कॉस पी डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पी इंप्लाइज दैट डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक पी का जरूरत है, फिर तो वही करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि कॉस पी डी पी इक्वल्स टू डी एक्स, काम खत्म, पी कैंसिल हो गया। इंटीग्रेटिंग वी गेट पी को हमने काटा है, ये मैं बार बार आपको बोलता हूं ये जो कटने वाला काम है ये नॉन जीरो एंटिटी ही कटती है, यानी कि पी को काट दिया इसका मतलब पी नॉन जीरो है क्या? हाँ तभी तो काट दिया। अच्छा कैसे मालूम नॉन जीरो है? चलो पी को जीरो मान के देख लो, माना पी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया तो वाई बराबर वन हो गया, तो ये क्या हुआ? इक्वेशन ही सब खत्म हो गया, यानी पी जीरो नहीं है इसलिए हमने पी को काट दिया। इंटीग्रेटिंग वी गेट कॉस पी का पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल साइन पी और इधर है सिर्फ एक्स और एक कांस्टेंट लगाना तो क्यों ना इधर ही कांस्टेंट लगा दें प्लस सी। अब एलिमिनेशन तो आप कर ही नहीं सकते किसका? पी का, इसलिए ऐसी स्थिति में एक्स की वैल्यू पी और सी के रूप में ये लिखा हुआ चमक रहा है और वाई की वैल्यू पी सी के रूप में, सी उसमें घुसेगा नहीं पी के रूप में लिखा हुआ है, तो यही जनरल सोल्यूशन है और जनरल सोल्यूशन का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। वी कैन नॉट एलिमिनेट पी बिटवीन वन एंड टू, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन इज एक्स इक्वल्स टू साइन पी प्लस सी कामा वाई इक्वल्स टू पी साइन पी प्लस कॉस पी सेमीकोलन सी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हर रंग हर ढंग के हर मिजाज के एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए, सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए भी सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए भी। वीडियो साइज ये बहुत छोटी है कोई बात नहीं, कोई बड़ी कोई छोटी राजकाज है। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसा कि अभी बताए थे फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में हम क्लेरेट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे, दो वीडियो में उस कार्यक्रम को हम ले चलेंगे और उसी में आपको हम सिखाएंगे सिंगुलर सोल्यूशन लिखने की एक विधि और जनरल सोल्यूशन के एनवेलप के रूप में। जनरल सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स का जो एनवेलप निकलेगा वही सिंगुलर सोल्यूशन होता है,
ये बुनियाद हमने डाल दिया था शुरू में ही, फाउंडेशन में ही, एकदम बिल्कुल स्टार्ट में ही, जनरल सोल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन क्या है, ओके, ये सब शुरू में ही आपको बता दिया गया था। थैंक यू।